हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हमारी एमजी एस्टर के बारे में। तो ये हमारा म्यूज़िक सिस्टम है, पूरा कुछ इस तरीके का दिखता है। ये हमें 3 साल की जियो की गारंटी के साथ मिलता है, हमें वैलिडिटी मिलती है 3 साल की, जिसमें हम इंटरनेट चला सकते हैं इसमें 3 साल के लिए बिल्कुल फ्री। ये जियो सावन ऐसे देख सकते हो आप, ये हमारा जियो सावन है। आपको म्यूज़िक क्वालिटी सुना सकते हैं, कॉपीराइट ना आ जाए, बस हम ये गाने चलाते हैं। ये टोटली नेट पे डिपेंड करता है, आप साउंड कर सकते हो फुल। अब चलो इतना ही बजाएंगे, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा जल्दी। और आपको व्हीकल सेटिंग में ले जा सकते हैं हम, यहाँ पे व्हीकल सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे हमें सारी चीज़ मिल जाती है गाड़ी के बारे में। ये फॉलो माय होम आता है, ये फाइंड माय कार आता है, जिसमें हम लाइटनिंग और हॉन्किंग का बता सकते हैं अनलॉक करने पर गाड़ी को। और यहाँ पे हम लोग टायर प्रेशर देख सकते हैं, ये पूरा दिखा सकता है, ये KPM में, बार में और PSI में। यहाँ पे आप देख सकते हो ये टेम्परेचर है। ये हमारी हैंडल जो स्टेयरिंग का आता है उसकी सेटिंग आ जाती है, ये पूरा हैंडल इजी वगैरह सारा करने का। यहाँ पे ये अर्बन में बिल्कुल सिटी मोड आ जाता है, यहाँ पे नॉर्मल एकदम नॉर्मल चलेगा, और ये डायनेमिक में एकदम हार्ड हो जाएगा हैंडल। यहाँ पे आपको एडास फीचर मिल जाते हैं रियर ड्राइव असिस्ट में। ये सारे फीचर एस्टर मैनुअल शार्प में आते हैं, जो कि मैनुअल है, ये आप देख सकते हो। और जो ऑटोमेटिक कार आती है उसमें बाकी सारे आ जाते हैं, ये आप देख सकते हो। इसमें कौन कौन से आते हैं, रियर ड्राइव असिस्ट, लेन चेंज असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट। मैं बाकी तो नहीं दिखा सकता, ब्लाइंड स्पॉट दिखा सकता हूँ, जो आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये दो लाइट, इसमें लाइट जलती है। आपको यहाँ पे ये भी मिलता है पैसेंजर सीट बेल्ट ऑन हो, एयर बैग ऑन करने का, जो कि आपको सीट बेल्ट लगाने पे ऑन हो जाता है। ये हाँ अलर्ट है ये एयर बैग का। यहाँ पे आप नेविगेशन देख सकते हो गाड़ी की, ये टोटली गाड़ी का नेविगेशन आता है, कोई गूगल वगैरह नहीं आता ये, और नेट पे डिपेंड करता है ये पूरा, ठीक है। और गाइस नेविगेशन एक नंबर का है, कोई कमी नहीं है, एकदम क्या बोलें, बोलने के शब्द नहीं है इसकी तारीफ के, इतने अच्छी क्वालिटी का नेविगेशन है ये। इस नेविगेशन में गूगल जैसे कोई दिक्कत नहीं आती है, जैसे अलग रूट पर चले जाते हैं अपन गूगल से, इसमें वो दिक्कत कोई नहीं है। हमने चला के ट्राई किया है पूरा, ये आप देख सकते हो। और अभी आप यहाँ से AC कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाती है, यहाँ से ऑन कर सकते हो AC को। यहाँ पे आप सीट का बता सकते हो, फैन स्पीड देख सकते हो, टेम्परेचर देख सकते हो, ये ऑटो पे कर सकते हो और ये ऑफ हो जाता है यहाँ से। और आप सेटिंग वगैरह देख सकते हो मोर में जाके, सारी सेटिंग एस्टर की। ये एस्टर इस रोबोट की सेटिंग आ जाती है इस एस्टर में, इसमें थीम आ जाती है, व्हीकल सेटिंग आप जानते हो, आई कॉल मतलब। ये ब्लूटूथ फ़ोन है, आप फ़ोन कनेक्ट हो तो आप बात कर सकते हो, इनबॉक्स हो गया, सेटिंग में आप और जा सकते हो। और यहाँ पे आप ब्लूटूथ नेटवर्क साउंड लॉक स्क्रीन वॉलपेपर देख सकते हो, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो कोई भी। बाकी इसमें यही ये आप डिस्प्ले देख सकते हो, ये नाइट मोड वगैरह सब आता है इसमें, ऑटो ऑफ कर सकते हो। और ये USB स्टोरेज, बस यही है, बाकी सब ये आप देख सकते हो। थैंक यू। यहाँ तक अगर आपने देख लिया तो सब्सक्राइब लाइक और शेयर करके ज़रूर चलो।